जैसा कि अभी हमने क्लासिफिकेशन सारा देख लिया है, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपका रियल नंबर होता है, फिर आपका इमेजनरी नंबर होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है, उसके बाद फिर अगर हम रियल नंबर्स को तोड़े तो इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर्स का फिर डेसिमल भी होता है, और डेसिमल में फिर हम देखे थे रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर इंटीजर पार्ट में देखे कि उसमें नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं, जीरो हैं। तो मुद्दा इस बात का है कि अगर एग्जाम में हम क्वेश्चन का ध्यान दें कि कैसे एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन पुट करता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बात को समझना होगा कि क्लासिफिकेशन से ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपसे जानना चाहता है कि क्या आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हो। जैसे अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो और कहीं नहीं यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में ज्यादा अच्छे से रहे। देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ जाया करेगा। देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्लस बी इज ऑड, ए प्लस बी इज ऑड। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान देना यहां पे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स कोई ए और बी हैं, तो क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी की हिंदी होती है प्रायिकता, क्या प्रायिकता होगी कि जब भी ए प्लस बी को जोड़ा जाए तो वो ऑड होंगे। अभी इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेट प्रोबेबिलिटी से किया है और कहीं दूर नहीं आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा है, गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ए प्लस बी, और हमारे सामने से ऐसा क्वेश्चन गुजरेगा नहीं, तो अगर हम एग्जाम में होंगे, क्योंकि देखिए एक बात बहुत ज्यादा क्लियर होता है, जब आप एग्जाम में होते हो तो आपका टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट होता है, वो टेम्परामेंट नहीं होता है जब आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हो। तो एग्जाम में आपका टेम्परामेंट, एक तो आपके पास स्पीड में करना होता है क्योंकि टाइम की स्कर्सिटी होती है, ऊपर से मैथ का क्वेश्चन जो आप पहले से डरे हुए होते हो, लेकिन मैथ डरने वाली चीज नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हो तो सब कुछ कर लोगे। तो इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखते हैं, इसने बोला कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये पूर्ण संख्याएं है ना, पूर्णांक जो पूरी पूरी हूँ, जैसे हमने नंबर लाइन में देखा था 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, तो ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, मतलब 1, 2, 3 की बात कर रहा है। तो ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, और वो बोल रहा है कि ए प्लस बी के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो थोड़ा ये प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता होता है, मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या होता है, जो फेवरेबल आउटकम होते हैं, जो आउटकम आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अभी देखें कि कितने ऐसे केस बन सकते हैं कि ये ऑड होगा, और टोटल कितने केस बन सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा। हम ए और बी कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर, भाई ए है और बी है। अब ए को या तो आप इवन ले सकते हो या तो ऑड ले सकते हो, ए या तो सम संख्या है हो सकती है या तो विषम संख्या हो सकती है, ठीक ऐसे बी भी या तो सम हो सकती है या तो विषम हो सकती है, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर हम दो इवन नंबर को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा। इसे करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो दो एक इवन नंबर है और दूसरा ये ए की वैल्यू है और दूसरा 4 है, ये मान लो बी की वैल्यू है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 6 भी एक सम संख्या है, तो मैं बोलूंगा कि इवन प्लस इवन क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ये बात क्लियर है। अभी दूसरा केस चेक कर लेते हैं, यहीं पे दूसरा केस, अगर हम इवन प्लस ऑड को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है। मान लिए कि ए जो है कोई एक इवन नंबर है, चलो 2 ही ले लेते हैं, है ना, और बी कोई ऑड है, तो मान लो इस बार 3 ले लेते हैं, अगर इन्हें जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 क्या है, ऑड है, यानी कि इवन प्लस ऑड मिलके क्या मिलता है, ऑड मिलता है। तीसरा केस ले लेते हैं, क्या मान लो दो ऑड संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक, फिर ए की वैल्यू कुछ ऑड चूज करनी है, 3 चूज कर लें, बी की वैल्यू 5 चूज कर लें, दोनों जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 8, हमें क्या मिल गया, देखो ऑड प्लस ऑड जोड़े तो इवन मिल गया। चौथा और क्या हो सकता है,
भाई ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ए ऑड हो गया, ये ऑड हो जाए और ये इवन हो जाए, है ना? ऐसा हो सकता है, मान लो ये पांच हो जाए और ये चार हो जाए, क्या मिलेगा? नौ। तो ऑड प्लस इवन भी क्या दे रहा है? ऑड दे रहा है। अब थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, टोटल आपके पास केस कितने बन रहे हैं? चार केस बन रहे हैं कि या तो ए इवन हो, बी भी इवन हो, ए इवन हो बी ऑड हो, ए ऑड हो बी भी ऑड हो, ए ऑड हो बी इवन हो, ठीक। तो ये हमारे पास चार केसेस बने हैं और चारों केस में हम देखे हैं कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर इवन प्लस इवन जोड़े तो इवन आता है, मतलब सम संख्या को सम संख्या में जोड़ा जाए तो हमेशा आपको सम संख्या मिलेगी, सम संख्या को विषम संख्या में जोड़ा जाए तो हमेशा क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगी। अगर विषम संख्या और विषम संख्या जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। और अगर विषम संख्या और सम संख्या जोड़े जाए तो भी विषम संख्या मिलेगा। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो, इसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्लस बी इज ऑड, तो ऑड आपको कहां कहां मिल रहा है? एक दूसरे केस में, एक चौथे केस में। मतलब आपके पास टोटल चार केस हैं जिसमें केवल दो केस में आपका ऑड आ रहा है, तो आप प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे? दो बटे चार, यानी कि एक बटे दो। तो क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल से टॉपिक से, पॉजिटिव इंटीजर से उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, कहां से रिलेट करके? प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से। बहुत सारे बच्चे बोले कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, क्या करें? ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसा आपका कैलकुलेशन नहीं है कि आपका समय ले जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर आपको ये मालूम है कि अगर इवन इवन को जोड़े तो इवन मिलता है, इवन ऑड को जोड़े तो ऑड मिलता है, ऑड प्लस ऑड को जोड़े तो इवन मिलता है, और ऑड प्लस इवन को जोड़े तो ऑड मिलता है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी, बहुत कम समय में लगा सकते हो और अपने खाते में ऐसा नंबर डाल सकते हो। तो देखिए खूबसूरती देखिए कैसा क्वेश्चन डाल रहा है यूपी ट्रिपल एससी। हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन आपको मैं लिख दे रहा हूं ताकि साथ साथ देखते चलिए। बोल रहे कि m कोई एक नंबर है, है ना? बोले इफ m इज अ इवन नंबर, m कोई एक सम संख्या है, इफ m इज अ इवन नंबर, ठीक, कोई एक इवन नंबर है, देन एम स्क्वायर माइनस वन इज द मल्टीपल ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। अब आपके पास ये चार ऑप्शन दिया है। हिंदी में कह रहा है कि यदि एम कोई सम संख्या हो, m कोई एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस वन क्या होगा? दो क्रमागत का गुणा होगा। दो क्रमागत क्या? उसके लिए आपको ऑप्शन रखा है। ऑप्शन ए में बोल रहा है होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्याओं का होल नंबर। बी आपका ऑप्शन रख रहा है इवन नंबर। सी आपका ऑप्शन रख रहा है ऑड नंबर, और डी आपका रख रहा है कंप्लीट स्क्वायर। मतलब कि कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि m एक अगर सम संख्या है, इफ m इज एन इवन नंबर, देन m स्क्वायर माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर और इवन नंबर और ऑड नंबर और कंप्लीट स्क्वायर। मतलब कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा होगा कि दो सम संख्याओं का गुणा होगा कि दो विषम संख्याओं का गुणा होगा कि दो पूरा पूरा वर्ग का गुणा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारे कोर्स से बाहर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी क्लासिफिकेशन से ही, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है? अभी आप समझते हो कि m स्क्वायर माइनस वन को आप m माइनस वन और m प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यही तो पूछना चाह रहा है कि मल्टीपल ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत संख्या, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? एक क्रम में आए, मतलब उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस हो वो क्या हो? बराबर हो। जैसे दो चार छ आठ, ये सारी संख्या क्या है? क्रमागत है,
इनके बीच में डिफरेंस कितना है, दो दो का ही है, या एक तीन पाँच सात, या एक दो तीन चार पाँच, ये सारी संख्याएं क्या हैं, आपस में क्रमागत संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो गैप है, यहाँ से यहाँ के बीच में दो, 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 यहाँ से यहाँ के बीच में एक, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में एक, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब वो यही पूछना चाह रहा है कि दो जो क्रमागत संख्याएं होंगी, मतलब कि ये और ये क्या होंगे, दोनों पूर्ण संख्याएं होंगे, दोनों सम संख्याएं होंगे, दोनों विषम संख्याएं होंगे, कि दोनों कंप्लीट स्क्वायर होंगे। थोड़ा सा आप सोचिए इस क्वेश्चन को, हमें सब कुछ वेरिएबल में दिया हुआ है और वो पूछ क्या रहा है, क्या ब्लर है पूरा, क्या हाँ कोई बात नहीं, चलो। तो क्या कह रहे थे कि m माइनस वन और m प्लस वन, यही दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें यह पता करना है कि ये पूर्ण संख्याएं हैं कि सम संख्याएं हैं कि विषम संख्याएं हैं कि कंप्लीट स्क्वायर हैं। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जब भी एग्जाम में आए तो पहली बात घबराइए मत, दूसरी बात आप आजाद हो m की कोई भी वैल्यू मानने के लिए, क्योंकि इसने बोला है इज एन इवन नंबर, बस ध्यान रहे कि m क्या हो, सम संख्या हो। हम m की वैल्यू चार मान लें तो चार माइनस एक और चार प्लस एक क्या हो जाएगा, चार माइनस एक तीन और चार प्लस एक क्या हो जाएगा, पांच। अब बताओ तीन और पांच क्या है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तीन और पांच दोनों आपस में क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपी ट्रिपल एससी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जैसे अभी हम रिसेंट का पेपर देखें, युवा कल्याण का पेपर देखें, या अभी बहुत हाल में जो हुआ है मंडी परिषद का पेपर देखें, उसमें भी क्वेश्चन उसने बहुत अच्छा रखा है, बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, और बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, क्योंकि उन्हें क्लासिफिकेशन ही नहीं मालूम था कि आखिर होल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी बेसिक डेफिनेशन, इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर की बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, वो नंबर जो दो से विभाजित हो जाए, और ऑड नंबर जो दो से विभाजित ना हो। दिमाग में ये नहीं लाना है कि जो तीन से विभाजित हो, जो दो से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं, जो दो से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को अपने हाथ से जाने मत दो, विद इन फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में इसका आप उत्तर दे सकते हो, जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए ऐसे क्लासिफिकेशन पे जितना अभी तक हमने पढ़ा है। क्वेश्चन है एक, हाँ क्वेश्चन लिख रहा है यूपी ट्रिपल एससी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। मैं बोर्ड पे लिख दूं जल्दी से, फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कहने का मतलब कि 1 से 10 तक के सारे धन पूर्णांक का मीन क्या होगा, मीन का दूसरा मतलब क्या होता है, औसत। क्या 1 से 10 तक का सारे धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अभी देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। मैं जब आपको एवरेज पढ़ा रहा हूंगा, जब मैं आपको औसत पढ़ा रहा हूंगा, तब इस बात का मैं जिक्र और भी करूंगा कि जब भी हमें औसत निकालना हो, और औसत किसका, क्रमागत संख्याओं का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, मतलब कि ऐसे नंबर जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिनके बीच का अंतर सेम हो, उसके लिए क्या करते हैं, पहले नंबर का और लास्ट नंबर को ऐड कर लें और अपॉन टू कर लें, तो हमारा क्या आ जाता है, उत्तर आ जाता है। अब उसने खुद बोल दिया कि मीन हमें किसका पता करना है, पॉजिटिव इवन नंबर का, है ना, धन पूर्णांक का, वो भी कहां से, 1 से 10 तक। तो एक बात बताइए, 1 से 10 के बीच में धन पूर्णांक आपके कौन कौन है, और जो कौन है, सम भी हो, है ना, सारे धन पूर्णांक यहां पर लिख दीजिए जो कि सम है ना, जो कि सम। तो 1 से 10 के बीच में 2, 4, 6, 8 है ना, और हम
10 को भी लेंगे, ठीक। तो यही तो 1 से 10 के बीच में धन पूर्णांक है जो क्या है, सम है। तो ये पहला टर्म, ये लास्ट टर्म, 2 प्लस 10 बटे 2, 12 बटे 2, उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। अभी देखिए बच्चे, बच्चों से गलती कहां हो सकती है, अभी अगर इसी क्वेश्चन को कहता फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर, ऐसा बोलता है ना, ये 1 से 10 तक ना हो। अभी क्वेश्चन एकदम बदल गया, अब इस क्वेश्चन में कहां पे क्लासिफिकेशन काम आ रहा है, कहां पे आपका डेफिनेशन काम आ रहा है, उस बात पे ध्यान दीजिएगा। जब आप ये नहीं जानोगे कि इवन नंबर क्या होता है, जब आप ये नहीं जानोगे कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या है जो कि पॉजिटिव में है, तो गलती हो जाएगी। जैसे फर्स्ट 5, बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि 0 क्या है, इवन नंबर है, वही वाली बात ना मैं आपसे डिस्कस किया था कि 0 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब बहुत लोग, बच्चों के दिमाग में होगा कि 0 इवन नंबर है, तो वो क्या करेंगे, 0 को लेंगे, 2 को लेंगे, 4 को लेंगे, 6 को लेंगे और 8 को लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 8 बटे 2, बट क्या आ जाएगा, 4, जबकि ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा है, 2 है ना, पहला धन पूर्णांक जो कि सम हो वो क्या है, 2 है। तो नेक्स्ट 5वां क्या जाएगा, 10 जाएगा, तो 2 प्लस 10 बटे 2 यानी 12 बटे 2, उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस बात का एग्जाम में खासा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों से गलती होती है जिन्हें कंफ्यूजन होता है 0 इवन है या ऑड है। बहुत कई बार ऐसा होता है ना, आपसे जनरली कोई पूछ लेता है, यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं, कहते कि आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट पॉजिटिव या लार्जेस्ट इवन नंबर है ना क्या है, बड़ी से बड़ी सम संख्या क्या है, क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड है ना, या इन्फिनिटी नहीं बोलोगे आप, उसे बोलोगे नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी कोई उत्तर नहीं होता, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा हो, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सबसे छोटा भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है ना, सबसे छोटा धन पूर्णांक जो कि सम हो वो क्या होगा, 2 होगा, 0 नहीं होगा, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मजा आएगा और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि आखिर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी आपको कहां फंसाना चाह रही है, आपसे कौन सा कॉन्सेप्ट पूछना चाह रही है और आपको कहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। अभी मैं आपको बताया पीछे ही कि क्या है पॉजिटिव, सॉरी प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने देखा था कि प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 1 से कटे और खुद से कटे, जैसे कि 7, 7 1 से कटेगा या केवल 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होगा, किसी और से विभाजित नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसने आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन क्या क्या दिया, ए दिया आपको 31, बी दिया आपको 41, सी दिया आपको 51 और डी दिया आपको क्या, 61। ये 4 ऑप्शन दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें प्राइम कौन सा नहीं है, नॉट प्राइम है ना, क्या पूछा आपसे, नॉट प्राइम। इन चारों में से कौन सी संख्या आपकी क्या है, अभाज्य नहीं है, ठीक। अभी देखिए, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर होगा वो 6p+-1 के फॉर्म में होगा है ना, जबकि इसका उल्टा सही नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि सही नहीं है, जैसे 25 एग्जांपल सेटिस्फाई कर रहा था। तो कोई भी प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा, मतलब अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए या -1 मिलना चाहिए, -1 मतलब कि 5 ही हम आगे रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, तो जब भी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए, तभी वो संख्या प्राइम नंबर होगी। तो हम चेक कर लें,
भाई 31/6, 6×5=30, एक रिमाइंडर, ये तो प्राइम है। 41/6, 7×6=42 माइनस एक रिमाइंडर, या 5×6=36, 6 कितना आएगा, 5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये भी प्राइम है। 51/6 कितना जाएगा लास्ट, 48 है ना, और 48 कितना 51, 3, तो इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर 3 बच रहा है, ना 1 बच रहा है, ना 5 बच रहा है, जबकि आपका रिमाइंडर या तो 1 बचना चाहिए या तो 5 बचना चाहिए, तभी प्राइम होगा। तो ये नंबर प्राइम नहीं है, इवन ये नंबर भी प्राइम है, क्योंकि जब 10 से लगाएंगे 10 बार जाएगा तो एक रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो जब भी प्राइम नंबर चेक करने की बात आए तो आप नंबर को 6 से डिवाइड कर लो, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर चेक करना हो तो 6 से डिवाइड कर लो, अगर आपका शेष 1 बचता है या 5 बचता है तो वो प्राइम होगा, और इनके अलावा कुछ शेष बचता है तो वो संख्या प्राइम नंबर नहीं होगा, वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जब चारों की चारों ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं ए बी सी डी, जो रिमाइंडर या तो 1 छोड़ते हैं या तो 5 छोड़ते हैं। अब उसमें दे देता है कि इनमें से कौन सा प्राइम है या प्राइम नहीं है, तब दिक्कत आ जाती है वहां पे। वहां पे लिख क्या करिएगा आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत स्किप करिएगा और उसे सबसे बाद में लगाइएगा। क्यों, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास 731 आ गया है ना, इस नंबर को चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है। मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो कितना जाएगा भाई, 72 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 शेष आएगा, फिर कितना जाएगा 11, फिर 6×6=5, यहाँ पे 5 शेष आ गया। तो मैं बोलूंगा कि ये नंबर क्या है, प्राइम है, क्योंकि या तो 1 शेष आना चाहिए या तो 5 शेष आना चाहिए। लेकिन अगर यही 733 होता है ना, अब इसे चेक करना होता प्राइम, तो हमारे पास शेष कितना आता भाई, 72 पूरा पूरा जा रहा है, 1 यहां से शेष आएगा, 13 और 6×2=12 अभी भी हो जा रहा है, 34 होता तब हमारे पास 2 शेष बचता, और अगर 2 शेष बच गया तो मैं अभी चेक नहीं कर पाया कि ये प्राइम है कि नहीं है। और ऐसे जितने भी आपके ऑप्शन होंगे सब ऐसे होगा जिसमें या तो 1 शेष बचेगा या तो 5 शेष बचेगा, लेकिन वो प्राइम नहीं होगा। ऐसे में क्या करिए, जब भी ऐसा नंबर आए तो नंबर का आप नियरेस्ट स्क्वायर रूट लीजिए, नियरेस्ट स्क्वायर रूट, जैसे 734 है। अब आप जान रहे हो कि 25×25=625 और 30×30 कैसे निकालोगे, 25×25=625 और 30×30 कितना जाएगा, 900 जाएगा, यानी कि ये जो 734 होगा ये करीबन 27 के आसपास का स्क्वायर रूट होगा। तो हम इससे छोटा लगभग 27 मान लेंगे, इक्विवेलेंट टू। अब 27 से छोटे जितने भी प्राइम हैं, 27 से सबसे छोटा प्राइम कौन सा, 23, उसके बाद फिर किस नहीं है 19, फिर 17, फिर 13, फिर 11, फिर 7, ऐसे सारे जितने भी उससे छोटे हों सबसे बारी बारी से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर किसी से भी नहीं कटा तो ये संख्या प्राइम है, अन्यथा प्राइम नहीं है। और इतना करने में आपका बहुत समय जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करिएगा। जैसा कि अभी लास्ट के ही पेपर में, आपके मंडी परिषद के पेपर में क्वेश्चन आया था जिसमें चारों के चारों जो ऑप्शन थे उसमें रिमाइंडर 1 बच रहा था या 5 बच रहा था, तो हमें इस कंडीशन से उसे चेक करना था, इसलिए वो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट थे जो उसे तुरंत स्किप किए और बाद में उस जाके क्वेश्चन को लगाए। क्योंकि देखिए एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप कहाँ पे अपना समय बचा रहे हो, आप कहाँ पे अपना टेम्परामेंट बचा रहे हो। सपोज करिए कि कभी ऐसा हो कि आप पेपर देने बैठिए है ना, और आपकी किस्मत थोड़ी सी उल्टी हो, पहला ही क्वेश्चन आपको टफ लग जाए है ना, पहला ही क्वेश्चन टफ लग गया, अब वहाँ पे थोड़ा सा तो मोरल डाउन होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी टफ मिल जाए, तीसरा भी टफ मिल जाए, अगर शुरुआत के 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए जो आपके पसंदीदा नहीं है या जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो आपका क्या हो जाता है, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है और आपका पूरा पेपर खराब होने का चांसेस रहता है। इसीलिए जब भी
भले ही पहला दूसरा तीसरा टफ मिल जाए, उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करिए, अपने आप को समझाइए कि नहीं, किसी पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते, आगे के क्वेश्चन आपके आसान मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले आसान क्वेश्चन को करिए, उसके बाद टफ क्वेश्चन को करिए, तभी आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो सबसे ज्यादा अच्छी होगी और आप पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसने क्या पूछा है। एक क्वेश्चन है इसने पूछा, यूपी ट्रिपल एससी का ही क्वेश्चन है, अभी हाल ही का जो पेपर दिए होंगे जान जाएंगे तुरंत, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। बोला 130 प्लस एक्स है ना, एक्स की क्या वैल्यू होगी कि ये जो आए यहां पे क्या है, इंटीजर आए। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्स फॉर व्हिच दिस इज एन इंटीजर। एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स की कम से कम वैल्यू क्या होगी कि यहां पे रख दिया जाए तो हमें क्या मिले, इंटीजर मिले। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, देखने में लग रहा है एलजेब्रा वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट पे इंटीजर का क्वेश्चन है और अभी आपके हाल ही के पेपर में पूछा है, चार ऑप्शन दिया था। अभी आप देखिए, अब आपको आसान लगने लगा होगा, तुरंत आपका उत्तर आएगा, मुझे मालूम है 10, 11, 13 और 14। बारी बारी से सारे रख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में गो थ्रू ऑप्शन सबसे अच्छा तरीका होता ही है। अगर हम 10 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 140। आप जानते हो कि 140 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो हमें पॉइंट में वैल्यू आएगा, और अगर कुछ पॉइंट में आ गया भाई 12 समथिंग आएगा है ना, अगर पॉइंट में वैल्यू आ गया तो ये इंटीजर रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगी। अगर 11 रखा जाए तो कितना होगा, 141, तब भी नहीं। तुरंत आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अगर ये 144 बन जाए तो हमारा इंटीजर बनेगा। तो जैसे आप x की वैल्यू 14 रखोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 144, और ये पूरा का पूरा 12 देगा, और 12 क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, एक इंटीजर है जो पूर्णांक है, पूरा पूरा है ना। तो ये क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जा रहे हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए सारे हाल की क्वेश्चन है, यूपी आपका युवा कल्याण का पेपर है, आपका मंडी परिषद का पेपर है, आपका गन्ना पर्यवेक्षक का पेपर है 2016 वाला है ना, उन्हीं सबसे सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपको बताने के लिए कि देखिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें छोटी छोटी चीजें जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा पेपर क्या, हम बोलते हैं पेपर बहुत टफ आ गया। पेपर टफ नहीं होता, हम कहीं ना कहीं चीजों पर ध्यान नहीं दिए होते हैं।